अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेस्ट ऑन डिमांड। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अनबॉक्सिंग और रिव्यू एक वैक्यूम क्लीनर का। बड़े वैक्यूम क्लीनर्स डेली बेसिस पर यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता। हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो कॉम्पैक्ट सा हो, जिसे हम डेली में यूज़ कर सकें और ये अफोर्डेबल भी हो। हमने परचेज़ किया है अगारो हैंड हेल्ड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, जो आपको अंडर 1600 मिल जाएगा। अमेजोन पर चालू है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिसमें आपको ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। तो आज हम इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे फुल डेमो के साथ। इसमें जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो तो शेयर करेंगे, लेकिन अगर इसमें कोई खामी है तो वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले है ये मैनुअल बुक, इसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो एक एक करके हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस बॉक्स में हमें रिसीव हुआ है मेन यूनिट, सर्विस नोजल, एक्सटेंडर, मल्टीपर्पज़ ब्रश और होस पाइप। अब सारे ही चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वैक्यूम क्लीनर 1 साल की वारंटी के साथ आता है। ये है मेन यूनिट, जिसमें लगी है 800 वैट की पावरफुल मोटर, जिसकी वजह से सफाई बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से होगी। अब बात करेंगे पावर कॉर्ड की, जो 5 मीटर का है, जिसकी वजह से आप इसे सारे ही रूम में बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। यूनिट के दोनों साइड में लगी हुई है एयर आउटलेट ओपनिंग, और ये है स्विच जिसे आप पावर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये एक रेड बटन दिया गया है जिसे प्रेस करने से इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से कुशन लगा हुआ है, जिसकी वजह से डस्ट मोटर तक नहीं पहुँच पाएगी। ये मोटर बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं है, क्लीनिंग के दौरान इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। इस तरह से सामने का हिस्सा है जिसमें सारी डस्ट कलेक्ट होती है। सामने लगा हुआ है ये सक्शन ओपनिंग। अब ये है मेन पार्ट, डस्ट फिल्टर, जहां पर सारा ही डस्ट कलेक्ट होता है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वैक्यूम के साथ में ये एक ही फिल्टर है, अगर एक्स्ट्रा में एक और फिल्टर मिलता तो बहुत अच्छा होता। ये इस तरह से इसमें फिट हो जाता है, और इसे इस तरह से बटन को प्रेस करते हुए फिक्स करेंगे। इसके साथ आया है ये सर्विस नोजल, इसे क्लीनिंग के टाइम कंपलसरी लगाना ही होगा, और जो स्क्वायर वाला हिस्सा है डस्ट कलेक्टर पर इस तरह से फिक्स करना होगा। और अब ये पूरी तरह से रेडी है यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है ये एक्सटेंडर, जिसे आपको सर्विस नोजल से अटैच करना होगा, जिसकी वजह से ऐसे कॉर्नर्स जहां आपका हाथ नहीं पहुंचता, वहां की क्लीनिंग भी बड़ी ही आसानी से हो जाएगी, जैसे सोफे के कॉर्नर्स, फ्रिज के कॉर्नर्स, स्लाइडिंग विंडोज़, जिसकी क्लीनिंग बहुत ही मुश्किल होती है, ये भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। थर्ड है ये मल्टीपर्पज़ ब्रश, इसके ब्रिसल्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। इससे आप कारपेट्स, सोफ़ाज, मैट्रेसेस को बड़ी ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पेट है उसके बाल भी बड़ी आसानी से क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये होस पाइप, इसका साइज बड़ा होने की वजह से इससे भी क्लीनिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। इन सारे एक्सटेंशंस का इस्तेमाल आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब सारी ही चीज़ों को हमने डिटेल में बता दिया है, अब देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ये एक स्लाइडिंग डोर वाली कबर्ड है, आप देख सकते हैं स्लाइडिंग वाली जगह पर काफ़ी सारी डस्ट जमा हो गई है। अगर आप इसे कपड़े से साफ भी करेंगे तब भी ये डस्ट एक कोने में जमा हो जाती है, सही से क्लीन नहीं होती। तो हम इस वैक्यूम का यूज़ करेंगे और इसे क्लीन करेंगे। कोई एक्सटेंडर यूज़ नहीं किया है। अब हम स्विच ऑन करेंगे। पावरफुल मोटर होने की वजह से इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन विद इन अ मिनट ये बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया, और इसके अंदर आप डस्ट देख सकते हैं कितनी कलेक्ट हुई है। परचेज़ करते टाइम इसके रिव्यूज़ चेक किए थे, तो काफ़ी सारे रिव्यूज़ तो अच्छे थे, लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा था कि ये बहुत जल्दी गर्म होता है। तो हाँ, तो ये 5 से 7 मिनट एक साथ यूज़ करने के बाद गर्म होने लगता है। तो इस वैक्यूम क्लीनर में सिर्फ एक ही कमी है कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करते टाइम बीच बीच में थोड़ा रेस्ट देंगे
तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और एक बात का ख्याल रखना है जो आगे हम वीडियो में बताएंगे, जिसकी वजह से ये गर्म होता है। तो आप देख सकते हैं कैबिनेट की क्लीनिंग भी आप बड़ी ही आसानी से इससे कर सकते हैं। और किचन में जो ट्रॉलीज होते हैं जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता, उसे भी आप बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इसका सक्शन पावर अमेजिंग है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डस्ट इसमें कलेक्ट हो गई है। इसे परचेस करने का हमारा मेन पर्पस था सोफ़ा क्लीनिंग के लिए। इस तरह के सोफ़ास को क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छी तरह से हम सोफ़ा की क्लीनिंग कर सकते हैं। सोफ़े को देखकर हमें नहीं लगा था कि इतनी डस्ट इसमें से निकलेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है। अच्छा, अगर आपके पास हेवी कर्टन्स लगे हुए हैं जिसे आप आसानी से वॉश नहीं कर सकते, इसे भी आप क्लीन कर सकते हैं। अब हम इसे ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी डस्ट कलेक्ट हुई है। इस फिल्टर को हम बाहर निकालेंगे और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये क्लीनिंग करता है। इसे आप क्लीनिंग के बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से सुखा लें। जब इस फिल्टर में डस्ट जमा हो जाती है और ये इस तरह से फिल हो जाता है, तो इसे अच्छी तरह से झटक लें और इसकी डस्ट अच्छी तरह से निकाल लें। वैक्यूम गर्म होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ये फिल्टर धूल से भरा हुआ होगा और आप वैक्यूम को कंटिन्यूसली चलाएंगे, जिसकी वजह से मोटर पर प्रेशर आता है और मोटर जल्दी से गर्म हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि इसे बार बार अच्छी तरह से क्लीन करते रहें और इसके बाद इसे यूज़ करें। जब आपकी क्लीनिंग पूरी तरह से हो जाए, तब इसे आप रनिंग टैप वाटर में वॉश करें और इसे 24 घंटे के लिए अच्छी तरह से धूप में सुखा लें। और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए, तभी नेक्स्ट टाइम इसे क्लीनिंग के लिए यूज़ करें। इन छोटी छोटी प्रिकॉशंस के साथ आप इसे यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो कंक्लूजन ये है कि बहुत ही कम प्राइस में पावरफुल वैक्यूम क्लीनर आपको मिल रहा है। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, बस ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, आप चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। हमारे वीडियोज़ को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।